एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज आपको तीन ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जो आपके चेहरे के बिल्कुल दाग धब्बे दूर कर देगी, टैनिंग दूर कर देगी, स्किन को बहुत ब्राइट सा बना देगी और आपके रंग को भी गोरा करेगी, रेगुलर यूज़ करोगे तो। ठीक है, तो ये रेमेडी है बहुत आसान बनाना भी और यूज़ करना भी। तो आप चूज़ कर लीजिए आपके लिए कौन सी इफेक्टिव रहेगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छी लगे तो। जो फर्स्ट रेमेडी है बहुत इफेक्टिव है, उसके लिए हमें आलू लेना है। उसको अच्छे से वॉश करके ऐसे स्लाइसेस में आप कट कर लीजिए। पूरा कट करके नहीं रखेगा, एक एक स्लाइस कट करते रहिए और अपने साफ एंड क्लीन बिल्कुल फेस के ऊपर इसको रब करना है। जहाँ भी मतलब आपको कालापन है, आपकी स्किन अनइवन है या आपको कोई किसी तरह के दाग धब्बे हैं, आपको डार्क सर्कल है, आपके फोरहेड पर कालापन है, मतलब हर जगह आपको इसको रब करना है। आलू का जूस आपके फेस पर अच्छे से लग जाना चाहिए। यह आपकी स्किन को ब्लीच करता है और आपकी जो ब्राइट होने के साथ साथ दाग धब्बे रिड्यूस होने लगते हैं। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं ज़्यादातर दाग धब्बों के लिए कि हम क्या करें, तो मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ, उसको 5 मिनट तक रखिए, 10 मिनट तक या 15 मिनट तक, जब तक आप रख पाओ, उसके बाद उसको नॉर्मल पानी से वॉश कर दीजिए। जो सेकंड जो रेमेडी है हमारी, उसके लिए हम पैक बनाएंगे जो वीक में 2 बार आपको यूज़ करना है। मुल्तानी मिट्टी मैं ले रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी नहीं है तो आप बेसन ले सकते हो, आप सैंडलवुड पाउडर ले सकते हो, या आपके पास जो भी अवेलेबल हो फेस पैक बनाने के लिए मैदा भी ले सकते हो आप। तो सेकंड चीज़ में ऐड करेंगे एप्पल साइडर विनेगर। ये जो पैक है ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है, बेस्ट। अगर एप्पल साइडर विनेगर ड्राई स्किन पर सूट नहीं होता है तो आप इसमें दही ऐड कर सकते हो, दही मिक्स करके इसका पैक बना सकते हो, क्योंकि दही में लैक्टिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है। तो ये पैक आपको वीक में 2 बार यूज़ करना है, इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा शाइन करेगी और स्पॉट्स फेड होने लगेंगे। ठीक है, तो इसको बनाइए एंड यूज़ कीजिए। सिंपल सा तरीका है, सिर्फ अपने फेस को पहले वॉश कर लीजिए और ये जो थिक सा पेस्ट मैंने बनाया है इसको अपने पूरे फेस पर, नेक पर अप्लाई कर लीजिए। इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए, ड्राई तो पहले ही हो जाएगा, आपको इसको 20 मिनट के लिए रखना है। फेस के साथ साथ आप गर्दन पर भी लगाइए और इस जब आप इसको वॉश करेंगे आपकी स्किन एकदम वन टाइम यूज़ में ही बहुत ज़्यादा वाइट एंड ब्राइटन सी आपको लगेगी। जब इसको रेगुलर आप यूज़ करते जाओगे तो धीरे धीरे आपके जो फेस का कालापन है वो गायब होने लगेगा, दाग धब्बे गायब होने लगेंगे और स्किन आपकी बहुत ज़्यादा शाइन करेगी। तो ये आपको वीक में 2 बार यूज़ करना है, किसी भी टाइम कर सकते हो। रात को सोने से पहले यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, सुबह आपकी स्किन बहुत अच्छी आपको खिली-खिली लगेगी। थर्ड रेमेडी के लिए भी हम यूज़ करने वाले हैं आलू। आलू का छिलका उतार लीजिए धोने के बाद, उसके बाद हम इसको ग्रेट करेंगे और इसका जूस निकाल लेंगे। हमें इस रेमेडी के लिए आलू का जूस चाहिए। आलू क्या करता है, नेचुरली आपकी स्किन को ब्लीच भी कर देता है और स्किन अगर ब्लीच होगी तो और ज़्यादा ब्राइट लगती है। इसलिए आप जब भी आलू यूज़ करते हो तो मार्केट वाली ब्लीच यूज़ करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके ये दाग धब्बों को दूर कर देता है, पिगमेंटेशन को दूर करता है, अनइवन स्किन टोन अगर आपकी है तो ये उसको ठीक कर देता है। आलू बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारी स्किन के लिए। तो हमें सेकंड चीज़ में लेमन ऐड करना है। लेमन अगर किसी की स्किन पर सूट नहीं करता है तो आलू का जो जूस हमने लिया है उसमें आप थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड कर लीजिए या थोड़ा सा दही ऐड करके आप इसको लगा सकते हो। अगर आपको लेमन सूट करता है तो आप इसमें लेमन मिक्स कर लीजिए। सिर्फ ये 2 चीज़ें, इसके अलावा कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी। ठीक है, और ये रात को सोने से पहले यूज़ कीजिएगा। अब ये जो हमने बना लिया है सीरम टाइप, इसको अपने पूरे फेस पर आपको लगा लेना है और उसको सूखने के लिए छोड़ देना है। आप चाहो तो इसको थोड़ी देर बाद वॉश कर सकते हो, आधे घंटे के बाद वॉश कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो उसको पूरी रात के लिए रख सकते हो। ये आपके रिंकल्स को भी ठीक कर देगा और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा यंग एंड जवान हो जाएगी। कोई भी पैक, कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हो फेस के लिए, सबसे पहले आप अपने स्किन को क्लीन करें, उसके बाद ही कोई भी चीज़ अप्लाई करें। इसमें बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन्स होते हैं एंड बेस्ट है स्किन के लिए। ब्यूटी रेमेडी अगर कोई बना रहे हो ना तो आलू ऐड करो, बहुत ही अच्छा है। तो आई होप आपको रेमेडीज़ अच्छी लगी होंगी। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।